का उद्धार करें। हमारे दानिश भाई ने भी डिजाइन किया था दोस्तों को। आज हम खूबसूरत मौसम में खूबसूरत लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह से। पूरी हमारी कैबिन मौजूद है, किसी गलत फहमी के बिना पर साथ चेयरमैन टूर्नामेंट साथ दानिश खान और राणा साहब ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल इस तरह ये पुरानी दरखास्त में दोबारा वैसे ही काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे चेयरमैन साहब से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, जानवर साहब, नजीर भाई थोड़ा माइक मिल पाता। सलाम अलैकुम रानू साहब, सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वालों को, दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आज माशाल्लाह बड़ा खुशगवार माहौल भी है, खुशगवार मौसम भी है, और हमारी जौहर की पूरी काबीना माशाल्लाह इस वक्त बैठी हुई है। और आइंदा आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं और उसका अमल तैयार किया जा रहा है इंशाल्लाह, भरपूर तरीके से कबूतर परवरी होगी। और उस्ताद रेहान फजल खान मरहूम का नाम जो है इंशाल्लाह हमेशा हम उनका अलम खाए रहेंगे, उनकी सच्चाई के साथ हम खड़े हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला अच्छा शौक करने वालों के लिए हम अच्छा प्लेटफार्म और ईमानदारी से शौक करवाएंगे अल्लाह के फजलों का। बाकी मेरे सतरे मोहतरम जौहर के वो इस पर रोशनी डालेंगे मजीद। जी शाहिद भाई वो कह रहे हैं रोशनी डालेंगे, आप भी डालेंगे ना कि भाई जो इस्तीफे चुनाव तो बता दीजिए ना, पहले गलत फहमी की बिना तो हुए थे। अच्छा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिस वजह से जब बात उनको समझ में आई है, क्योंकि शहर में आपको पता है कि बिगाड़ने वाले ज़्यादा हैं। जी जी शाहिद भाई, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि इधर से सुना रहे उधर सुना रहे हैं कि असल बात जो है ना सही मौके पेश नहीं करते। जब उनको बात समझाई गई है माशाल्लाह समझदार हैं, समझ में आई तो उन्होंने लद्दाख का हमारी बात अल्लाह ताला आपको कुछ दानिश भाई आप क्या कहेंगे? दोस्तों कैसे हैं आप लोग, खैरियत से ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। आज हमारे तमाम सीनियर असाज़ा हमारे पास आए, और जैसे कि राणा साहब ने कहा कि हम रेहान फजल खान का जो आलम है उसको अपने हाथ में थाम के रखेंगे और आगे चलते रहेंगे। अभी जो हमारी सारी बात हुई है वो यही बात हुई है कि असूल जो है वो सरमाएदार के लिए और गरीब के लिए बराबर होगा। अगर किसी पर पाबंदी है तो वो पहले पाबंदी ख़त्म कराएगा, उसके बाद वो शौक कर सकता है। अगर उसका कोई साथ देगा तो उसके साथ हम बिल्कुल नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हकदार को हक दिलवाना और उनके साथ खड़ा होना, उनको शौक करवाना, ये हमारी रिवायत थी है और रहेगी। और तकरीबन जो भी चीज़ें होंगी वो क्रिस्टल और क्लियर होंगी। ऐसा नहीं कि बाकी क्लबों में आपने देखा कि वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए लोगों के कबूतर जो है शाम तक बिठा देते हैं और वो शायद बैठते भी नहीं हैं, आते भी नहीं हैं। तो इस तरह का तो आपने देखा होगा कि जौहर के अंदर कोई भी ऐसे मामला नहीं थे, और जौहर का इन मामला से ऐसे लोगों से कोई लेना देना भी नहीं था। पाबंदियाँ भी लगाई अपने लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई। अच्छा, अगर ये जो चल रहा था ना आजकल हल्फ छोड़ दो हल्फ छोड़ दो, तो वो DNA वाला जो फार्मूला दिया ना तो वो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा बिल्कुल इंशाल्लाह। और उसके अंदर ये भी पता चलेगा कि कबूतर का बच्चा है या पट्टी वाले ग्रास का बच्चा है या पट्टी वाले का बच्चा है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी ने इतना फास्ट कर दिया कि आप और हमको मिलने के लिए आसानी है, हमारे मैसेज पहुँचाने के लिए आसानी है, तो फिर उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हलाल पटाएँ और तमाम लोग जो कबूतर उड़ाएँ उससे पहले उसका DNA जमा कराएँ और कबूतर उड़ाएँ, उसको पता चल जाएगा कबूतर काबिली कबूतर है या पट्टी वाला कबूतर है। इसके अलावा हमारी जो शाहिद भाई से बात हुई, राजा भाई से बात हुई, हमारे राणा साहब से, उमर सुल्तान से, तो उनमें ये चीज़ तय पाई गई है कि हम लोग मई और जून के अंदर भी आजकल हमें बड़े क्लियर वेदर मिले, और अप्रैल के अंदर जो हम तैयारी कबूतर लेकर आते हैं ना, तो कबूतर तो ऑलरेडी हमारे पास तैयार ही खड़ा होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्लियर वेदर के अंदर और हार्ड वेदर के अंदर कबूतर का रिजल्ट और अच्छा लें, कि मतलब जैसे अगर हल्का वेदर मिलता है तो कबूतर शाम तक जा रहा है ना, तो उस कबूतर को हार्ड वेदर के अंदर कम से कम दोपहर तक उड़ाए और उड़ना भी चाहिए। और कबूतर जो भी उड़ेगा वो भले काबली हो, पट्टी वाले के पैटर्न पर उड़ेगा कैंसिल है, काबली के पैटर्न पर उड़ेगा माना जाएगा। ये नहीं चमक में जाके खड़े हुए दिख रहे हैं और शाम को वापस आ गए, तो बाकी कबूतर जो है वो बिल्कुल ही गायब हैं बुलंदी के अंदर हैं, और वो शाम को खुल रहे हैं और बैठ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा एजाज़ भाई की छत, हमारे बकी साहब की छत, ये कबूतर बिल्कुल ज़ीरो से आ रहे थे और आके बैठ रहे थे। ये तो नसीब है कि किसी का फर्स्ट किसी का सेकंड। और बासित भाई की छत, बासित की छत माशाल्लाह से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, और भी नई छतें आ रही हैं। इसी तरह कोई भी नया शौकीन आएगा, अच्छा शौक करेगा, तो इंशाल्लाह उसको सपोर्ट भी करेंगे और उसके साथ खड़े भी।
बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर रजा भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तबीयत वगैरह कैसी है? उस्ताद परवेज का प्यार भरा सलाम। सर कोई मैसेज? वालेकुम सलाम। बिल्कुल मैसेज यही है कि जो अभी दानिश भाई ने बताया कि आज सारा लायमल यहाँ पे तय कर लिया है और आइंदा की जो भी कबूतरबाजी होगी वो इसी पैटर्न पे होगी। लेकिन असल उसूल काबिलबाजी का है ये जो इन्होंने बताया कि कबूतर आसमान जाए और तजस्सुस रहे बरकरार के निकलेगा अब निकलेगा अब निकलेगा और शाम हो जाती है और वो निकलता है। तो ये इसका उसूल है और इसी पे अगर ये कायम रहे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि काबली है ही ऐसा कि वो आसमान बंद होता है। ये तो अब जिद्दत आ गई है कि यहाँ फिरना फिराना कबूतरों का होने लगा है जीतने के लिए, मगर इसका उसूल यही है कि कबूतर आसमान में बंद हो नजर ना आए। बहुत उससे ये है कि हर आदमी को चांस मिलता है, बार दफ़ा अच्छे खिलाड़ियों के आते भी नहीं है कबूतर। हाँ इसमें कोई तो ये यही इसका जो है उसमें इस कबूतरबाजी का काम है। ये दूसरी ये कि जैसा कि अभी दानिश भाई ने बताया कि आइंदा की कबूतरबाजी जिस पैटर्न पे होगी ना वो यही है। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि कराची में कई मौके पर ना लोगों पर पाबंदियाँ लगेंगी। जैसे काफ़ी पुरानी बात बताऊँ मैं आपको कि मार्टिन रोड के अंदर काका था सही है जिसकी जो उस्ताद बाद में बने इनके ऊपर पाबंदी लगी थी और बाकायदा टाइम पीरियड के साथ पाबंदी लगी थी 3 साल की और उन्होंने झेला जो यूसुफ भाई की तरफ से लगी थी। ठीक है वहाँ कुछ मुंसिफ के साथ बदतमीजी हो गई थी उस वजह से। तो ये बिल्कुल नेक्स्ट संडे आपकी तरफ है इंशाल्लाह हमारी तरफ देखेंगे। और ये आप बताया तो भाई दूर में भी अच्छा शौक जल्दी करते करवाएंगे और हमारी मेहमान हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह साथ शौक कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम प्यार करने वालों का, बेहतरीन इंटरव्यू, बेहतरीन कबूतर परवरी। और मैं तमाम दोस्तों से, तमाम प्यार करने वालों से बात करने की बात चाहिए क्योंकि बेहतरीन शौक देखने को मिल रहा है और अल्लाह ताला तमाम कबूतर परवरों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। ये जौहर विजन की पूरी टीम बेहतरीन है माशाल्लाह, मैं खुद भी जौहर का हिस्सा हूँ। और तमाम दोस्तों से, प्यार करने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेहतरीन कबूतर परवरी का मुजाहरा होना चाहिए, बेहतरीन शौक होना चाहिए सियासत के साथ और बेहतरीन कबूतरबाजी होनी चाहिए कराची के पेशेंट। सियासत कोई और नहीं कर रहा है और जब भी उनको मौका मिलता है वो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते, वो कभी मेरे ख्याल से चाहते ही नहीं है कि शायद कराची का शौक एक साथ एक डेट के ऊपर हो। और इस दफ़ा भी उन्होंने जो लास्ट में पैगाम था उन्होंने भी वही काम करा कि कयूम भाई को अलग डेट दी और पहले पप्पू भाई से डेट ली, वो शायद भी आपके सामने की बात है उस मीटिंग में आप मौजूद थे। तो फिर 5 तारीख लेके 12 तारीख देना और उसके बाद वापस 9 तारीख करवाना, करें तो वो काम करें जिससे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए आसानी हो। एक्चुअली तो कराची के अंदर जो शौक हो रहा था वो या तो जुम्मे लेने उड़ाने की वजह ये होती थी कि जुम्मे को कुछ लोगों की छुट्टी होती है, कुछ जो
छोटे लोग हैं उनकी छुट्टी होती है, और जो बाकी संडे आता है तो दो एक छुट्टी के दिन मिल जाते हैं, लोग वनडे उड़ा लेते हैं, लेकिन इनकी वजह से सिर्फ क्या हुआ है, बुध वाले दिन का टाइम डिसाइड हुआ है, तो अगर बाजी पाबंदी हटेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर डेट्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ों को देखा जा सकता है। शुक्रिया।